यहाँ पे रुका दी गाड़ी को साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रीस वीस कराना था। यहाँ पे लगा दी गाड़ी को और ये करेगा प्रेशर ग्रीस, इससे अच्छी ग्रीस हो जाती है ना दीपू भाई। ये अपना जुनैर भाई, जुनैर भाई इसको तो आप जानते हो, इसकी बदल ना। चलो भरते हैं यहाँ से तेल, लगभग यही 15-16 हजार का जाएगा। तो दोनों गाड़ी इधर ही रुकी है, आप कर रहे हैं वेट दीपू भाई की गाड़ी का। दीपू भाई जो है वो तो चला गया अपनी गाड़ी भी, वो आपको दिख रहे हैं ना वो वाली गाड़ी कंटेनर, वही उसकी गाड़ी है। तो फिलहाल चल ही रहे कंटिन्यू, आप देख सकते हो बाहर का नजारा। अभी अंधेरा है, मतलब अभी बच गए रात के 12 तो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो 8:30 तो बज गए, हम चल रहे कंटिन्यू। कल 4 बजे से हम चल रहे थे कंटिन्यू, इसी जाम में फंसे हुए थे। हालांकि इस जाम में मतलब जम्मू टू श्रीनगर लगता है लगभग कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे तक, 7 घंटे लगते हैं। आप देख ही सकते हो, खुद गिन सकते हो, मतलब 4 बजे से अभी बज गए दिन के, मतलब कल दिन के 4 बजे से, और अभी बज गए सुबह के 8:30। अभी भी हम नागसी टनल में हैं, ये रही नागसी टनल। तो बस करेंगे एक रास और आगे पहुंचेंगे हम सरमली, वहां पे लेंगे थोड़ी सी ब्रेक और रुकाएंगे गाड़ी को, थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं पीछे से। मैं तो कंटिन्यू चला रहा था रात को गाड़ी, तो बयस हो गया था, अब इसकी बारी यहाँ से है, अब मेरी बारी है। तो वहां से चलाएगा आप भैया गाड़ी, मैं करूंगा थोड़ा सा आराम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बाकी अपने भाई भी ठीक है। तो चलो करते हैं इस वीडियो को शुरुआत यहाँ से। तो फाइनली हम तो पहुँच गए सरमली, ये आप देख सकते हैं इस होटल से आपको पता चलेगा कि हम सरमली पहुँचे कि नहीं। बस यहाँ पे रुका दी गाड़ी को साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रीस वीस कराना था। यहाँ पे लगा दी गाड़ी को और ये करेगा प्रेशर ग्रीस, इससे अच्छी ग्रीस हो जाती है ना दीपू भाई। दीपू भाई अपना साथ ही था आज रात को, आज रात को अपने साथ ही था, पर इसने नींद की, मैं तो गाड़ी चला रहा था। आप कितने बजे सोए? मैं सो गया था 5 बजे, 5 बजे से अभी 8:30 तक, मतलब इसने भी अच्छी नींद की। आप मेरी बारी है, मैं कल 4 बजे शायद चढ़ गया था गाड़ी पे और अभी 8:30 पौनी ना हो गए, तो अभी मैं उठा यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा फिर सो जाऊंगा आराम से। अभी भी नींद आ रही है खड़े खड़े। चलो पहले जाते हैं यहाँ पे गाड़ी को करेंगे खिड़की विड़की बंद और दरवाजा बंद, ये तब तक ग्रीस करेगा वो, हम भी है वो वहां से होके आएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे हम कंटिन्यू। आज आपको न्यू रोड देखने को मिलेगा, मतलब कौन सा रोड, हम अक्सर दार रोड से जाते थे ना जो कि बाईपास हो जाता था हमें, पर आज वहां से नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास 12 टेरी है ना, 12 टेरी वहां से नहीं जाती। अब हम जाएंगे सीधा जम्मू से हाईवे से, मजा आएगा एक और। तो दीपू भाई को 10 टेरी है, दीपू भाई जाएगा सीधा दार रोड से है ना, दार रोड से। चलो कोई ना, आप जा दार रोड से, हम मिलेंगे उधर आगे फिर सांबा में। आप रुकना, अगर पहले पहुंच गए तो रुकना, अगर हम पहुंच गए तो रुकेंगे, ठीक है आ जाओ उधर। और ये रही अपनी दूसरी गाड़ी, दूसरे भाई की, और ये रहा अपना यार। ओ यारो इधर नजर आ रहे हो, पहले इसको जानते हो, इसको जानते हो पहले ये बोलो। मुझे कौन जानता है? कोई नहीं जानता, क्या कर रहा है यार, इसको आप जरूर जानते होंगे। तो ये हमें यहीं पे वेट कर रहा था और उसकी गाड़ी, ये रही गाड़ी। तो चलो ये अपना दीपू भाई चलेंगे यहाँ से, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद ही निकलेंगे यहाँ से आगे। तो बस आ गए वहाँ से फ्रेश होके, सारे भाई यहाँ पे रुके हुए, मतलब 1, 2, 3 गाड़ी। ये है दीपू भाई की गाड़ी, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा ना, पीछे जो कंटेनर इसको लगा हुआ है, ये दीपू भाई की गाड़ी। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे हम, तो चलो कितना है 2000। चलो जी अब निकलेंगे हम यहाँ से आगे, गपशप मार रहे हैं सारे आपस में। इंट्रो में शूट करूं। तो बस कर लिया यहाँ से फिर से सफर स्टार्ट अपना, अब मैं करूँगा रेस्ट और वही चलाएगा गाया और अपने साथ है दीपू भाई। दीपू भाई आप कंटिन्यू चलेगा आप हमारे साथ दिल्ली तक है ना, कंटिन्यू चलेंगे यहाँ से। तो अपनी दीपू भाई की गाड़ी पीछे पीछे आ रही दिख रहा है मैंने आपको पहले ही, तो आगे चल के वो जाएगा दार रोड से, हम जाएंगे सीधा जम्मू से है ना, आगे मिलेंगे हम सांबा में फिर। तो चलो करते हैं सरमली से आगे। अब मैं वीडियो एडिट करो या सो जाओ, समझ नहीं आ रहा है, आपके लिए व्लॉग भी लाना है जरूरी। ये भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
बाकी अपनी गाड़ी तो चल रही है अपनी मस्त स्पीड में। तो बस अभी तो हम चल रहे हैं यहाँ पे सुसाइड पॉइंट पे। सुसाइड पॉइंट है हाँ, इसको बोलते हैं एट सर्कल, क्या बोलते थे इसको, क्या बोर्ड। मैं इधर से लगभग 2 साल के बाद आया, मतलब ये कौन सा रोड है, ये जाता है सीधा जम्मू से, हमें तो आप जम्मू से जाना है ना, NH 44 रोड तो पता ही है, मतलब जम्मू से जाता है, हम रोज दिल्ली ये दार रोड से जाते थे ना, आज जम्मू से, ये आप देख सकते हो इस मोड़, क्या बोलते हैं इस मोड़ को, इसको पीछे जो था ना अभी उसको सुसाइड पॉइंट। 2 साल के बाद मैं इधर से आया, 2 साल के बाद, मतलब 2 साल तक मैं जम्मू नहीं आया, खाली दार रोड से सीधा बाहर। बाकी रोड आप देख सकते हो कितना व्यू है, ब्यूटी कितनी है अच्छी, पर उतनी भी ब्यूटी नहीं है जितनी कश्मीर में, कश्मीर में अलग ही कुछ है। रोड काफी मस्त है, रोड आप देख ही सकते हो काफी मस्त है, वो अपनी गाड़ी धीरे धीरे जा रही है क्योंकि वो लोडेड गाड़ी है ना, ये कंट्रोल करने पर। तो फाइनली हम तो पहुंच गए थे लखनपुर, लखनपुर टोल तो क्रॉस कर लिया, बुरा टोल वो तो क्रॉस कर लिया, तो बस टोल क्रॉस करके लगा दिया गाड़ी को साइड में इधर, और वो रही अपनी शोभा भाई की गाड़ी, तो दोनों गाड़ी इधर ही रुकी है, आप कर रहे हैं वेट डिबो भाई की गाड़ी का। हमने तो यहाँ पे एक नहर चल रही है ना इस रास्ते से, आपको पता ही होगा, दिखाऊंगा मैं आपको, तो वहाँ पे हमने नहा लिया अच्छी तरीके से, बहुत ही मज़ा आया नहाने में, तो अभी फ्रेश लग रहे हैं, फ्रेश बहुत ही मज़ा आया नहाने में, अब फ्रेश लग रहे हैं ना, आप जाएंगे यहाँ से आगे देखो, ये नहर जा रहे हैं ना यहाँ से, तो वहाँ पे हमने नहाया। तो चलो हम करते हैं काम, यहाँ से करते हैं वेट पहले दीपू भाई की गाड़ी का, और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे सीधा फिर दिल्ली के लिए। तो गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, और अपना फ़ोन जो है ना मोबाइल मेरा, ये तो वर्क नहीं कर रहा है आप अच्छे से, क्या करें यार, इसने मुझे टेंशन उठाया इस मोबाइल ने, वरना आपको इससे भी अच्छे अच्छे रील्स देखने को मिलते, अच्छे अच्छे व्लॉग। चलो वो भी आएगी और निकलेंगे फिर यहाँ से आगे। तो बस वो आ गई अपनी देवी भाई की गाड़ी, वो चलेगा अब आगे, वहीं पे रुकेगा दूसरी जगह, तो हम भी चलेंगे। वो फास्ट ट्रेन कितनी गई यहाँ से, फास्ट ट्रेन, और क्या बोल रहे हैं देवी भाई, हैंड ब्रेक, प्रेशर बनाना अपनी गाड़ी का, तभी यहाँ से निकलेंगे आगे, ये तब तक नहीं निकल सकती आगे। चलो निकलते हैं हम यहाँ से अब आगे करेंगे। तो बस चल रहे अभी गाठी, आपको पता ही होगा ये हिमाचल की गाठी है, अभी हम चल रहे हैं दमदार की तरफ, तो दमदार में जाने की तेल तो जो केमिकल है इस गाड़ी में डाला जाता है, तो वो हमने 2 बाल्टी मालीगांव में पीछे डाले हैं अभी अभी, तो बस हो गई केमिकल की टंकी भी फुल, आगे करेंगे तेल की टंकी भी फुल, फिर कंटिन्यू हमें यहाँ से चलना है कंटिन्यू। तो अपना दीपू भाई चला रहा है गाड़ी और साथ में शूट भी कर रहा है, मतलब गाड़ी इतनी प्यारी है ना, खुद ब खुद हाथ उठ जाता है शूट करने के लिए, दिखाना चाहती है आपको भी कि कैसा है ये गाड़ी। तो गाड़ी का आ गए हम यहाँ डमटाल पंप पे, पहले पंप पे हम यहाँ पर अक्सर डालते हैं तेल, क्योंकि यहाँ पर ना तेल काफ़ी सस्ता होता है, देखो आज कितनी 88.54, मतलब सस्ता होता है बाकी के स्टेटों से, जब वहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे इससे ज़्यादा होता है रेट। तो अभी अपनी टंकी का हो जाएगा फुल लगभग 16,000 में, देखते हैं हम 16,000 में जाएगा या और जाएगा, फिलहाल भैया कर रहा है फुल टंकी, पता नहीं और कितना डालेगा इसमें, 16,000 का फुल करना और 200 डालना, हमेशा हम इस पंप पे आते हैं और तेल भरने के लिए। चलो भरते हैं यहाँ से तेल, लगभग यही 15-16,000 का जाएगा, और निकलते हैं यहाँ से, अब कंटिन्यू चलना है सीधा दिल्ली। तो तेल डाल के निकल गए थे आगे, बस यहीं पर है दमताल में अभी, ये जो राइट वाला पंप है ना वहाँ से आता है, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी है, अपनी
डिस्ट्रिक्ट की, इसको तो आप जानते ही हैं, इस वाले भाई का। ओ ये अपना जुनैर भाई, जुनैर भाई इसको तो आप जानते हो, इसकी बदल ना। और बाकी सुना ठीक हो, बाकी मजे में ना। तो ये अपने गांव का जट है, अपने डिस्ट्रिक्ट का जट है ये। इसका ये वीडियो जो है ना, ये हिट हुआ था इन दिनों, ये छोटा था जब ये गाड़ी चला रहा था, आज ये 12 चक्का चला रहा था, उन दिनों भी 12 चक्का चला रहा था, पर उन दिनों ज्यादा छोटा था, आज तो काफी बड़ा हो गया है। तो बस चल रहे कंटिन्यू, अभी अंधेरा होने वाला है, और शफक भाई कंटिन्यू चला रहा है अब गाड़ी। दीवी भाई जो है वो तो चला गए अपनी गाड़ी भी, वो आपको दिख रहे है ना, वो वाली गाड़ी कंटेनर, वही उसकी गाड़ी। अब वो चला रहा है अपनी गाड़ी, चलाएगा आगे तक, तो हम भी चल रहे हैं साथ साथ, जाएंगे दिल्ली तक। तो मैं करूँगा थोड़ा सा रेस्ट अब, क्योंकि अभी जो है ना गर्मी काफ़ी कम हुई, अब नींद करने को थोड़ा सा मज़ा आएगा, मतलब नींद अगर आएगी तो इसी टाइम। तो अब करूँगा मैं थोड़ा सा रेस्ट। तो इसका कोई आप चलना कंटिन्यू, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। चलो मैं करूँगा रेस्ट अब थोड़ा सा। तो फाइनली हम तो पहुंच गए सहरन में, तो यहाँ पर लगा दिया अपनी गाड़ी को साइड में। साइड पे कहाँ लगाया, ये आपको पुल ओवर से दिख रहा है ना, ये हाईवे है, ये पुल नहीं है, फ्लाई ओवर है। तो इसी के नीचे हमने लगा दी गाड़ी, बस अब यहीं पे सो जाएंगे। दो तो बज गए रात के, हमने कर लिया 1:30 बजे डिनर, तो अब हम सो जाएंगे 2 बजे। बहुत नींद आ रही है यार, बहुत नींद आ रही है, अभी तक गाड़ी चला रहे थे ना, सबसे बहुत नींद आ। अब हम सोचेंगे यहीं पे सुबह उठेंगे सवेरे और जाएंगे मुल्तानी ढाबे पे, फिर वहीं पे फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे उधर ही, फिर देखेंगे सुबह का क्या हाल रहेगा। फिलहाल सोएंगे आज, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में सुबह अच्छी तरीके से। तो चलो सुबह मिलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक देखो वीडियो तो पसंद ही आया, पसंद आया तो लाइक करना, कॉमेंट करना, और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया, नहीं किया तो आप कर दीजिए। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।